अब तैयार हो जाओ मरने के लिए। तुम दक्षिण की दिशा से जाना, वहां आग लगा देना। और तुम सुनो, तुम ना उत्तर की दिशा से जाना, तुम उत्तर की दिशा से आग लगाना। ओ, ओ भाई इधर इधर इधर, क्या प्लानिंग कर रहे हैं? हरे कृष्णा। एक व्यक्ति था, बहुत पापी था, जंगल में रहता था, घड़ा सा रखता था साथ में। जो भी उस जंगल से गुजरता क्या करता, सबसे पहले उसको लूट लेता, उसका सारा सामान छीन लेता और उसके बाद उस घड़ासे से खाच 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 करके उसको मार डालता। तो ये उसका शौक था, मतलब कि सामान लूटने के बाद भी लोगों को मार देना और उनको मरते हुए देखना कि वो कैसे तड़प रहा है, तो उसको बहुत खुशी होती थी। जैसे कि आपने मृगारी की स्टोरी सुनी होगी, कथा, नारद जी जो उनके बाद में उन्होंने कल्याण किया, तो उसका यही पेशा था कि जो भी आता उस जंगल के रास्ते, चाहे वो बच्चा हो, चाहे वो स्त्री हो, चाहे वो पुरुष हो, चाहे वो वृद्ध हो, चाहे वो संत हो, महात्मा, कोई भी हो, उसको सब कुछ लूट लेता उसका सामान, उसके बाद खच 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 करके उसको मार डालता और फिर सामान लेता, उसको देखता, सामान देख के खुश होता वो। तो एक बार क्या हुआ, एक बहुत बड़े वैष्णव संत महात्मा वहाँ से गुजर रहे थे जंगल में, आगे गड़ा सा लेके मारने चला। इतने में महात्मा ने बोला, रुको 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 रुको, क्यों मार रहे हो तुम मुझको? तो उसने बोला, मुझे अच्छा लगता है, मुझे खुशी होती है मारकर, बस यही मेरा पेशा है, इसी में मेरे को आनंद आता है। अब तैयार हो जाओ मरने के लिए। तो जो संत थे उन्होंने बोला, मूर्ख, दुर्गति होगी तेरी, अरे नरक में सड़ेगा तू, तुझे अंदाजा भी नहीं है कि तेरे साथ क्या क्या होने वाला है। और जब उसने सुना ये बात, तो किसी जब वैष्णव को शुद्ध भक्त की वाणी सीधे उसके हृदय को विदीर्ण कर गई, बोला, हाँ माफ कर दो, क्षमा कर दो प्रभु, कोई रास्ता बताओ, मुझे अपना शिष्य बना लो महाराज, मैं जो आप बोलोगे करने को तैयार हूँ, मुझे अपना शिष्य बना लो महाराज, मैं बहुत बड़ा पापी हूँ महाराज, मैंने कितने पाप किए हैं महाराज, महाराज शिष्य बना लो महाराज। गिड़गिड़ाने लगा, क्योंकि कहते हैं ना कि जो संत हैं उनके दर्शन मात्र से हम पवित्र हो जाते हैं। कहते हैं कि जो गंगा नदी जो है, गंगा जी में कहते हैं कि जो हम जाते हैं ना, सब अपने पाप छोड़ कर आते हैं कि हम पापी हैं, तो अपने पाप धुल कर आ जाते हैं, लेकिन जो संत महात्मा जाते हैं वहाँ पर, तो वो सब जाकर उस गंगा जी में नहा के उनको शुद्ध कर देते हैं, जो वैष्णव हैं। तो लाइक दिस उसका हृदय भी एकदम परिवर्तन हो गया देख कर महात्मा ने जब उनको वाणी बोली। तो महात्मा ने बोला कि देखो, मैं तुम्हें शिष्य तो बनाऊंगा, लेकिन अभी नहीं, उसके लिए तुम्हें कुछ करना होगा, तुम्हें पहले अपने आप को प्यूरिफाई करना होगा। तो उसने बोला, महाराज आप जो बोलोगे मैं करने को तैयार हूँ, महाराज जो बोलोगे मैं करने को तैयार हूँ, महाराज बोलो मुझे करना क्या है महाराज। तो उन्होंने बोला कि तुम ऐसा करो, तुम जाओ और सारे तीर्थों के दर्शन करो, जितने भी तीर्थ हैं, और जब तुम शुद्ध हो जाओ तब मेरे पास आना, तब मैं तुमको दीक्षा दूंगा। तो बोला कि ठीक है महाराज, मैं जाता हूँ, लेकिन महाराज मेरे को पता कैसे लगेगा कि मैं शुद्ध हो गया, कुछ तो बताओ महाराज, कुछ तो बताओ महाराज कि मतलब कैसे शुद्ध हो गया, फिर आऊँ मैं आपसे दीक्षा लूँ कैसे, कुछ तो। तो महात्मा जो थे उन्होंने बोला कि हाँ ये तो है। महात्मा ने क्या किया, वहाँ जंगल में एक सूखी लकड़ी थी, वो उठा के दिया, बोला ये लो, जब इस सूखी लकड़ी में हरे हरे पत्ते आने लगे, मतलब ये लकड़ी हरी हो जाए और उसमें अंकुरित, मतलब उसमें पत्ते आने लगे, तब समझ जाना कि तुम शुद्ध हो गए हो और तुम वापस आ जाना, फिर मैं तुमको दीक्षा दे दूंगा। तो बोला कि ठीक है महाराज, ठीक है। वो लकड़ी सूखी लिया और चल पड़ा, और चल पड़ा, चलते 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 करीब 10-15 किलोमीटर गया होगा, तो रात हो गई थी काफ़ी। तो उसने सोचा कि एक बहुत बड़ा विशाल बरगद का वृक्ष था, बोला यहीं पर मैं आराम करता हूँ, कल फिर चलूँगा। तो वहाँ नीचे बैठा, तो बहुत विशाल वृक्ष था वो, कई हज़ारों साल पुराना। तो वहाँ जब लेटा तो उसे आवाज़ आई खुसुर फुसुर की, तो खुसुर फुसुर की आवाज़ आई, उसने ध्यान लगाया तो आवाज़ आ रही थी, सुनो तुम ऐसा करना, तुम दक्षिण की दिशा से जाना, वहाँ आग लगा देना। और तुम सुनो, तुम ना उत्तर की दिशा से जाना, तुम उत्तर की दिशा से आग लगाना, और तुम जाना ये इधर पश्चिम की दिशा से, और इस दिशा से मैं जाऊँगा, चारों दिशा से हम लोग आग लगा देंगे, और जो भी गांव से निकलेगा उसको हम मार देंगे, ठीक है? ठीक है, कोई दया नहीं, चाहे वो बच्चा हो, चाहे वो बूढ़ा हो, चाहे वो गाय हो, बैल हो, भैंस हो, कुछ भी हो, सबको खत्म कर देना, और इसके बाद सारे गांव को लूट कर हम अमीर बन जाएंगे। और वो वहां पर नीचे बैठा बैठा सब सुन रहा था। अच्छा,
उसने सोचा कि मैं तीर्थ तो जा ही रहा हूँ, इतने हजारों खून किए हैं मैंने, तीर्थ जा रहा हूँ तो चार को और निपटा देता हूँ, क्या फर्क पड़ता है, है ना। और ये लोग वैसे गांव का बेचारे सब भोले भाले लोग हैं बेचारे, कोई कुछ किया नहीं, महात्मा के दर्शन हो गए ना, वैष्णव के दर्शन हो गए, वैष्णव के दर्शन करने के बाद उसका हृदय देखो कैसा एकदम एकदम चेंज हो गया, ट्रांसफॉर्मेशन, मतलब सोचने लगा उन लोगों के बारे में जिसे वो खुद मारता था, उनके बारे में सोचने लगा, अरे ये मारेंगे बच्चों को, मारेंगे हाँ, औरतों को भी मारेंगे हाँ, बूढ़ों वृद्धों को भी, पुरुष गाय बैल भैंस सबको मार देंगे, राम 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 राम, क्या करूं मैं क्या करूं, हाँ ऐसा करता हूँ इनको निपटा देता हूँ चारों को, हाँ तीर्थ तो जा ही रहा हूँ, इतने पाप किए हैं ये भी धुल जाएंगे। तो उसने बोला ओ भाई इधर इधर इधर, क्या प्लानिंग कर रहे हो यार, अरे इधर बैठा है तुम्हारा बाप, अरे मैं बताता हूँ कैसे प्लानिंग करनी है, क्या टिप्चे पिछे पहली बार कर रहे हो क्या, अरे ये देखो हजारों खून किए हैं, आओ मैं इधर सिखाता हूँ तुम लोग को, सारी प्लानिंग तुम्हारी फेल है, अरे ऐसे करोगे ना पकड़े जाओगे मारे जाओगे कुटाई होगी वो अलग, फंस जाओगे, अरे सुनो आओ नीचे आओ तुम लोग मैं बताता हूँ। नीचे बुलाया और वो एक एक करके नीचे आए, और वो तो मतलब एक्सपीरियंस था ना मारने में, ना उसके पास कोई हथियार था ना वो हथियार, हाथ से पकड़ के गर्दन मरोड़ के चारों को मार दिया, और मार दिया चारों मर गए। उसके बाद बोला कि भैया अब यहाँ हत्या कर दिया, अब यहाँ रुकना तो ठीक नहीं, थोड़ा आगे जाके रुकता हूँ। अपना लकड़ी उठाया तो देखा है ये क्या, लकड़ी हरी हो गई और अंकुरित भी हो गई, इसमें पत्ते भी आने लगे। बोले गुरु जी ने बोला था कि लकड़ी हरी हो जाए तो वापस आ जाना, चलो वापस, चला वापस गया, गया गुरु जी दंडोत प्रणाम गुरु जी। गुरु जी ने बोला हाँ अच्छा तुम आ गए, गए नहीं। बोला गुरु जी मैं आ गया, ये देखो लकड़ी हरी हो गई, आपने कहा था ना लकड़ी हरी हो तो आ जाना। तो गुरु जी कहते हैं इतनी जल्दी कौन सी तीर्थ करके आए हो। तो उसने पूरा स्टोरी बताया कि ऐसे ऐसे मैं गया था वहाँ पे, वैसे ऐसे प्लानिंग हो रही थी लोगों को मारने का, तो मैं इसलिए उनको मार के आ गया। तो तब जो वैष्णव थे गुरु संत महात्मा थे वहाँ पर, उन्होंने बोला कि देखो तुमने क्रिया वही की है लेकिन तुम्हारा उद्देश्य बदल गया, इससे पहले भी तुम लोगों को मार रहे थे लेकिन किस उद्देश्य से, अपने स्वार्थ के, कि मैं इनका धन लूट लूंगा और आनंद अपने आनंद के लिए, लेकिन अब तुमने क्यों मारा है इनको, ये चार लोगों को तुमने मारा, इसको क्यों मारा तुमने, उन लोगों के भले के लिए कि वो सारे गाँव के बच्चे बूढ़े स्त्री पुरुष गाय बैल सबको वो जो है मारने के चक्कर में थे, तो तुमने उनको बचाने के लिए अब ये इनको मारा है। तो देखो क्रिया वही की उद्देश्य बदल गया, तो क्या हो गया, उसकी लकड़ी हरी हो गई, मतलब कि उसका हृदय शुद्ध हो गया, मतलब कि उसके सारे पाप धुल गए। तो ठीक ऐसे ही हम लोगों पे भी ये अप्लाई होता है, हम लोग जो भी क्रिया करें, आप जो भी कर रहे हैं करिए, हम नहीं बोलते हैं, कोई नहीं बोलता कि आप घर छोड़ कर आओ, मंदिर में बैठ जाओ, सब कुछ त्याग दो, संन्यास ले लो, जंगल चले जाओ, नहीं, व्हाटएवर यू आर डूइंग, आप जो भी कर रहे हैं करते रहो, साथ के साथ क्या करो, कृष्ण को जोड़ लो, मतलब कि जो भी करो वो कृष्ण की प्रसन्नता के लिए करो, क्रिया वही रखो, उद्देश्य क्या रखो, कृष्ण की प्रसन्नता, भगवान की प्रसन्नता। तो जब हम भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करेंगे तो हम ऑटोमेटिकली प्यूरिफाई हो जाएंगे। अब भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करना ये क्या होता है, मतलब फॉर एग्जाम्पल जैसे कि आप कोई नौकरी करते हैं, आप पैसे कमाते हैं, धन कमाते हैं, तो उस धन का कुछ भाग आप भगवान की सेवा में लगाइए। आप भोजन करते हैं, खाना खाते हैं, तो उस भोजन को पहले आप भगवान को ऑफर करिए, फिर प्रसाद रूप में उसे स्वीकार कीजिए। आपके अंदर काम इच्छा होती है स्त्री संग करना या स्त्री को पुरुष संग करना है, आप करिए, लेकिन ऐसे संतानोत्पत्ति के लिए जिसको आप शुद्ध भक्त बना सको, वैष्णव बना सको, भगवान का भक्त बना सको, हरि भक्त बना सको, तो आप करिए, आप स्त्री संग करिए, पुरुष संग करिए। और फॉर एग्जाम्पल जैसे और क्या कर सकते हैं आप, और जैसे स्टूडेंट्स पढ़ाई करते हैं, तो स्टूडेंट पढ़ाई करते हैं तो पढ़ाई करते हुए तो उनका ये ध्यान होना चाहिए, चिंतन उद्देश्य उनका ये नहीं होना चाहिए कि मैं पढ़ाई करूँगा फिर मैं बड़ा आदमी बनूंगा, ISPCS निकाल के वो लाल बत्ती वाली गाड़ी आएगी, वो बंगलों मिलेंगे, वो गार्ड्स मिलेंगे, और ये होगा, हाँ बिजनेस करूँगा अपना, और ये बन जाऊँगा मैं अरबपति। अपने लिए नहीं, कृष्ण के लिए, कि मैं पढ़ाई कर रहा हूँ और मैं बड़ा आदमी बनूंगा, पैसे कमाऊंगा, उस पैसे को मैं भगवान की सेवा में लगाऊंगा, या मैं बहुत बड़ा घर लूंगा, उस घर को मैं मंदिर बना दूंगा, वहां पर मैं भक्तों को इनवाइट करूंगा, वहां पे सब लोग आकर भगवान हरि नाम का कीर्तन करेंगे, प्रसाद पाएंगे, हरि बोल। पढ़ाई करो लाइक दिस, जो भी आप कर रहे हैं, व्हाटएवर यू आर डूइंग,
आपको गाना सुनने का मन कर रहा है तो आप भगवान का भजन सुनिए, आपको गाना गाने का मन कर रहा है तो भगवान का कीर्तन करिए, आपको नृत्य करने का मन कर रहा है तो आप भगवान के जो वैष्णव भजन है उसमें नृत्य करिए, कीर्तन में नृत्य करिए, ऐसे बहुत सारी चीज़ें जो मतलब जो भी आप कर रहे हैं व्हाटएवर यू आर डूइंग, इवन आप अगर तैयार भी होते हैं सुंदर वस्त्र अगर पहन रहे हैं तो ये सोचकर पहनिए कि मैं भगवान के लिए पहन रहा हूँ कि भगवान मुझे देखकर प्रसन्न होगी, देखो मैं भगवान के लिए सजाऊँ या मैं भगवान के लिए सजी हूँ, मैं नहा रहा हूँ तो मैं भगवान के लिए नहा रहा हूँ ताकि मेरा शरीर पवित्र हो और मैं भगवान की सेवा कर सकूँ, मैं सो रहा हूँ अगर तो मैं इसलिए सो रहा हूँ कि ओ ताकि मैं कि इस शरीर को आराम मिले और शरीर से फिर से मैं भगवान की सेवा में लग सकूँ। सो लाइक दिस जो भी आप करते हैं क्रिया आप जो कर रहे हैं वो करते रहिए, बस उद्देश्य को अपने बदल दीजिए, उद्देश्य क्या रखिए कृष्ण की प्रसन्नता, और जब आप ऐसा करेंगे जब आप अपने उद्देश्य को बदल देंगे कृष्ण को अपने सेंटर में ला के रख देंगे, अभी कृष्ण क्या है बहुत दूर है ला के कृष्ण को पकड़ के ये सेंटर में रख दिया, मतलब व्हाट एवर यू आर डूइंग यू आर जस्ट कहाँ घूम रहे हो कृष्ण के इर्द गिर्द, मतलब कृष्ण ही सेंटर में है मेरे, चाहे मैं जो भी कर रहा हूँ मैं ये कर रहा हूँ मैं वो कर रहा हूँ मैं ये कर रहा हूँ ये वो सेंटर इज ऑलवेज कृष्ण। तो जब आप सेंटर में कृष्ण को रखेंगे तो आपकी लाइफ पूरी चेंज हो जाएगी, टोटली चेंज, और आप जो ट्रांसेंडेंटल ब्लिस यू विल फील यू विल रियलाइज, आप जो आनंद का अनुभव करेंगे उसका शब्दों में उसको हम बयां नहीं कर सकते, ठीक है। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप जो भी करें भगवान को सेंटर में रखिए, करिए कृष्ण की उद्देश्य ये रखिए कि कृष्ण प्रसन्न हो मेरे इस क्रिया से, कृष्ण प्रसन्न हो जो भी व्हाटएवर, ओके थैंक यू सो मच, हरे कृष्णा।